फ्रेंड से नेक डिज़ाइन बनाने के लिए आपके पास जो भी नेट का फैब्रिक है उसको इस तरह से रखेंगे, ये कुछ मन के होंगे उनको इस तरह से रख लीजिए, कैमरे को उसके पास लेकर जाएंगे और ये आपका गला बनकर हो जाएगा रेडी। अबे कोई जादू थोड़े है, हमें पूरा टोटल बताओ बिल्कुल अच्छे से। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अगेन हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री बुटीक। आज आपके लिए और एक और बेहतरीन वीडियो हो रही है नेक डिज़ाइन के लिए, बहुत ही सुंदर बनेगा ये। इस नेट का हम इसमें यूज करेंगे, तो सबसे पहले जो आपका मेन फैब्रिक है उसमें हमें जो नेक है उसके लिए कटिंग करनी होगी। तो इस नेट को हम साइड में कर देते हैं। इसके लिए शोल्डर और आर्म होल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले नेक की जो लेंथ रखने वाले हैं उसके निशान लगाएंगे। तो जितना भी लेंथ आप रेडी करना चाहते हो उससे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पर मार्क करेंगे, या मुझे 7 इंच रेडी करनी है तो यह मैं 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मार्क कर लेती हूँ। इसी तरह से जो आर्म होल वाली साइड है यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देना है एक हल्का कर्व बनाते हुए। जहाँ से हमें मैंने मार्क किया है यहाँ से कट कर लेंगे। ये सेपरेट हो गए हैं। अब जो नेट वाला फैब्रिक है उसको लेंगे, उसकी कटिंग करेंगे। तो इसको हम डबल फोल्ड करके रख लेते हैं इक्वल करके, और जो ऊपर वाला पोर्शन था इसको लीजिए। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो दोनों ही ये पीसेज हैं इसकी जो क्लोज वाली साइड है वो एक तरफ होनी चाहिए और जो ओपन वाला पोर्शन है वो एक तरफ होना चाहिए। ऊपर से ये अनइक्वल है तो इसको कट करके ऊपर से इक्वल कर लेते हैं। नीचे वाली साइड से आपको कट करना है, लेकिन यहाँ पर आपको इसको आधा इंच ज़्यादा लेना है जो ऊपर मैंने फैब्रिक रखा हुआ है उससे। साइड में से भी इसको इक्वल कर लेंगे कट करके। इस वाले को साइड कर दीजिए। अब देखिए जो नेट है हमें ये इस तरह से इसके साथ लगेगा, अटैच हमें करना होगा इसको। तो उसके लिए आपको इस तरह से नेट को रखेंगे, जो एक कॉर्नर है वहाँ से इसको लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये पिन से इसे अटैच कर लेती हूँ पहले, ताकि मुझे सिलाई करते टाइम कहीं से भी अगर खींचता है तो ये छोटा बड़ा ना हो, इसलिए पहले इसको फिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास ये पिन नहीं है तो आप छोटी सुई का भी यूज कर सकते हो। यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। साथ साथ पिन को निकालते रहेंगे। किसी भी एक पार्ट को आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको दोनों ही पार्ट्स को इक्वल रखते हुए चलना है। यहाँ पर हमारा हो गया है। अब इसको हमें पलट लेना है इस तरह से, और जो बिल्कुल किनारे से इसके ऊपर से एक और सिलाई लगा देनी है, ताकि हमारा नेट वाला फैब्रिक कभी भी खिसके ना। सिलाई भी हमने लगा दी है। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना होगा। जो ये हमारा नेक है, तो अब जो बोट नेक हमें बनाना होगा तो उसके लिए हमें कटिंग करनी होगी। तो आप इसको यहाँ पर डबल फोल्ड कर लीजिए। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर शोल्डर को 7 इंच रखा हुआ है, अगर आपने कम रखा हुआ है तो बोट नेक 3.5 इंच पर लगा लीजिए। मैंने यहाँ पर 7 रखा है तो मैं लगभग 4 इंच में यहाँ पर बोट नेक के लिए मार्क कर लेती हूँ। ये गले की चौड़ाई के लिए है। इसकी गहराई के लिए हम मार्क कर लेते हैं 2.75 इंच तक। हल्का सा शेप डाल देंगे, यहाँ से निशान लगाए यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए नेक की कटिंग भी हो गई है। अब इसको लगाने के लिए हमें चाहिए उरेप पट्टी। ये हमने उरेप पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई है यहाँ लगभग 2 इंच।
आपको इस तरह से फोल्ड करना है और इसके एक किनारे से लगाना शुरू करना है। सीधी साइड रखिएगा अपने नेक की, यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। लगभग 2 पॉइंट्स का मार्जिन छोड़ते हुए आपको स्टिच लगाना है। ध्यान रखिएगा नेट वाला फैब्रिक और हमारी उरे पट्टी दोनों ही इक्वल होने चाहिए। एक्स्ट्रा को यहाँ कट कर लेंगे दोनों ही तरफ से और अंदर छोटे छोटे आपको यहाँ पर कट लगा देने हैं ताकि जो भी हमारा नेक आए वो फिनिशिंग के साथ निकले। अब आपको इसको फोल्ड करना है अंदर की तरफ। मैंने यहाँ पर ब्लैक जो है स्ट्रिप का यूज नहीं किया है क्योंकि मैंने नीचे वाले का यूज कर लिया है। इसके ऊपर हम एक और डिजाइन लगवाने वाले हैं तो ये कवर हो जाएगा। अगर आप इसको इतना ही रख रहे हो तो यहाँ पर आप ब्लैक कलर की जो है उरे पट्टी लीजिएगा। नेक भी हमारा रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट है इसके ऊपर जो डिज़ाइन लगाने वाले हैं उसके लिए हमें पट्टी चाहिए होंगी तो वो देख लेते हैं। तो ये है हमारी पट्टियाँ जो हमें इसमें डिज़ाइन के लिए चाहिए होंगी। इसकी चौड़ाई हमारी यहाँ पर है लगभग 3.5 यानी कि 3.5 इंच। लंबाई यहाँ पर है, ये दो अलग अलग हैं, सेपरेट की हुई हैं, 19 इंच है। इसको मैं सबसे पहले जोड़ लेती हूँ। अगर आपके पास पूरी लंबी एक पट्टी है तो आप उसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। अब इनको आपको फोल्ड करना है इस तरह से और किनारे से एक सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, हमने नेक डिजाइन के और भी काफी सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हुए हैं। नेक डिजाइन के लिए हमने स्पेशल प्लेलिस्ट लगा दी है बनाकर, आप उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। लिंक प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए ये पट्टी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको आपको बाहर की तरफ निकालना है तो आपके पास सिलाई करते हैं तो ये पेचकस आपके पास होता ही है, इसकी मदद से निकाल लीजिए। कुछ और आपके पास इस तरह का है तो उसका यूज भी आप कर सकते हो। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से इसको पकड़ कर हम खींच लेते हैं तो ये हमारा बाहर की तरफ निकल आएगा। इसमें थोड़ी सिलवटें पड़ गई हैं, आप चाहे तो यहाँ पर प्रेस लगा लीजिए या फिर जो हमारा ज्वाइंट है बीच में उसको नाखून की मदद से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए। आप देखिए इसमें आपको इस तरह से प्लेट्स डालनी हैं जिस तरह से हम अपने पेटीकोट में डालते हैं, बिल्कुल गहरी गहरी वैसे वाली प्लेट्स आपको इसमें डालनी है। साथ में बीच में एक स्टिच लगाते हुए हमें चलना है, बिल्कुल छोटे छोटे इक्वल इक्वल हम इसमें प्लेट डालेंगे। अगर ये डिज़ाइन आप नेक के लिए बना रहे हो तो इसके साथ में आप प्लाजो के नीचे या फिर अपने स्लीव्स पर भी सेम ये पट्टी यूज करके इसको अपने ड्रेस को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। काफ़ी सुंदर ये ड्रेस लगती है और किसी भी शेप में आप इसको लगा सकते हो, काफ़ी इजी हो जाता है इसको लगाना। प्लेट हमने इसको रेडी कर ही लिया है, ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है। देखिए हमारी बनकर तैयार हो गई है, कितनी फिनिशिंग के साथ, देखिए कितनी खूबसूरत ये बनकर रेडी हुई है। अब आपको इसको अपने नेक के साथ लगाना है तो इसका एक किनारे से हम नेक में यहाँ से लगाना शुरू कर देंगे और इस तरह से ये देखिए अपने आप ही घूम जाएगी और इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे। ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल दीजिए, उसको कट कर देंगे बाद में।
बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसको लगाना है, कहीं से भी खींचने की जरूरत नहीं, अपने आप ही ये शेप ले लेगी। फ्रेंड्स मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आपको बिल्कुल छोटे से छोटा स्टेप भी बताऊँ, लेकिन फिर भी कोई स्टेप छूट गया मेरे से तो आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप उसको इम्प्रूव कर लेंगे। देखिए जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी देखिए इसको और थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ हल्के ये छोटे वाले बीड्स ब्लैक कलर में। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी कोई नहीं, आप इतना भी रख सकते हो इसको। इनको हम इस तरह से सुई धागे की मदद से लगा देंगे तो देखिए कितना अच्छे से ये डिज़ाइन इन्हेंस हो गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। बट आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करना मत भूलिएगा, मैंने इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और भी इतनी अच्छी अच्छी बेहतरीन वीडियो हमारे पास हैं नेक डिज़ाइन की, अगर आपने देखी हो तो, नेट वाले की भी, सिंपल वाले की, ब्लाउज कुर्ती सभी के लिए, साथ में है सभी ड्रेसेज के ट्यूटोरियल्स भी, तो चैनल पर विजिट कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में घंटी का बटन भी दबा लीजिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड्स आप लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई कंटेंट पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, स्टिचिंग रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।